हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से आ चुके एक नई वीडियो के साथ गाइस, जिस वीडियो में हम लिमिटेड चैलेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये विच डॉल का लिमिटेड चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। इसके सारे स्टेज के लाइनअप्स मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो स्टेज वन का हो चाहे सिक्स हो, 1 to 6 सभी के लाइनअप्स मैं बताऊँगा। चार पाँच छः लाइनअप्स तो बता ही दूंगा मैं, जो कि ऑटो लाइनअप होंगे और कुछ मैनुअल भी होंगे, जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन से ऑटो है, कौन कौन से और कौन कौन से मैनुअल है। सभी हीरोज़ के नाम बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलो यार वीडियो पे बने रहना गाइस, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे एंड वीडियोस को शेयर कर दे अपने गिल्ड मेट्स एंड ग्रुप्स में, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। वैसे तो ये वीडियो मैं मेंबर्स ओनली में अपलोड करने वाला था, क्योंकि यार सभी के लाइनअप आपको पहले ही पता चले, क्योंकि कुछ स्टेजेस है जो कि खुले भी नहीं है, जिसके लाइनअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, हाँ जी, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार आकर देखना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, कोई नहीं, देखिए। ठीक है गाइस, हाँ जी, तो मैं आपको जस्ट बता देना चाहूँगा 1 to 6। ठीक है, तो यार देखो यार, पहली बात तो ये कि जितने भी ये लाइनअप है ना, 6 के 6 सभी में आपके तीन तीन हीरो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होंगे, याद रखना। ठीक है, दो लॉक होंगे, तीन तीन आपको अलग अलग हीरोज लेने पड़ेंगे, समझ गए गाइस। हाँ जी, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, पहले पहले के लाइनअप पे बात करते हैं। देखो यार, अगर मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक को प्ले करते रहूँगा तो फिर यार बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो फर्स्टली ऑटो लाइनअप पे बात कर लेते। तो इसमें देखो यार, देखो आपको सबको हीरोज़ के नाम तो पता ही होंगे, चलो मैं यहाँ पर दिखाया, तो हीरोज़ के नाम जिसको नहीं पता है वो यहाँ से अपने नाम देख लेना, सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम बताते जाऊँगा, सेलेक्ट नहीं करूँगा हीरो कौन कौन सा, सेलेक्ट करने में भी फिर मेरे को टाइम लग जाएगा ना थोड़ा, मैं जल्दी, क्योंकि एक दो लाइनअप नहीं बताने ना। अब 6 लाइनअप है, 6 के 6 बताऊँगा तो 6 6 36 लाइनअप बताने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्टली जो पहला था ना, उसमें सी इक्वेरियन आएगा, रोज नाइट एंड इंसिएटर आएगा, ऑटो लाइनअप बता रहा हूँ मैं। फिर दूसरे में परिमाडोन आएगा, रोज नाइट आएगा, डेथ नाइट आएगा। और तीसरा भाई, अगर किसी के पास इवेंट वाला है तो ड्रीम बीच ले लेना एंड डेथ नाइट एंड डार्क फैलन। ठीक है, अब थोड़ा मैनुअल की बात कर लेते। तो मैनुअल में आपका परिमाडोना, सोइल फॉर्ग एंड स्नो क्वीन आएगा, या परिमाडोना के साथ इंसिनेटर एंड स्नो क्वीन तो है ही है, या चाहो तो आप परिमाडोना के साथ रोज नाइट और स्नो क्वीन है ही है। ठीक है, बस ये चेंज करना है, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो यार सेकंड स्टेज में देखो, और फर्स्ट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, देखो सारे हीरोज़ के नाम हुआ है मैंने, इसलिए वो चीज़ देखो, इसमें फर्स्ट पे जो बॉस है, ठीक है, तो आपको इसको करना क्या है, फेज थ्री में इसी को स्टन करना है। ठीक है, हिप्नोटाइज, जिसे मतलब स्टन करते हैं ना, जो हिप्नोटाइज, जो समझ लेना ना, आपको जो इसकी एबिलिटी है ना विच डॉल की, वो उसी पे मारनी है, बॉस पे, समझ गए। हाँ जी, तो इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्टेज टू की। तो स्टेज टू में आपको क्या करना है बेसिकली, देखो स्टेज टू में जो आपकी लाइन है परिमाडोना, रोज नाइट एंड स्नो क्वीन है। ठीक है, उसके बाद अगर देखना चाहो तो परिमाडोना के साथ चाइल्ड ऑफ लाइट ले सकते हो, या इंसिएटर, मतलब ये तीनों, चाइल्ड ऑफ लाइट, इंसिएटर ले सकते हो। ठीक है, अगर आप पी टू पी हो तो लोअर वेवर ले सकते हो, वॉचर ले सकते हो, डार्क फैलन, या फिर इसमें डार्क फैलन की जगह ड्रीम विच भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और मैनुअल में ज़्यादा तो परिमाडोना, रोज नाइट एंड ट्रैकर तो है ही है, बाकी इसमें चाहो तो रोज नाइट की जगह ओथ कीपर और ट्रैकर की जगह स्नो क्वीन ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी, और बात करते हैं हम स्टेज थ्री में। तो स्टेज थ्री में फ्रॉस्ट विंग है, ये देखो, जो ये फ्रॉस्ट विंग बॉस, मतलब ये सारे बॉस लिखे हो, तो इसका मैं बताऊंगा क्या टिप्स है। तो फर्स्टली देखो यार, इसमें ज़्यादा देखो, फर्स्टली क्या होगा, रोज नाइट, इंसिएटर एंड स्नो क्वीन ले लेना। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरे लाइनअप में स्नो क्वीन, स्नो क्वीन की जगह चाइल्ड ऑफ लाइट भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, हाँ जी, और अगर एक और लाइनअप चाहते हो तो आप इंसिएटर की जगह ट्रिक्स्टर एंड ट्रैकर ले सकते हो गया एक और लाइनअप। पी टू पी हो तो रोज नाइट, पी टी डेविल, ट्रैकर। ठीक है, और अगर आप चाहो तो एफ टू पी में, मतलब मैनुअल में जाते हो तो परिमाडोना, ओथ कीपर एंड स्नो क्वीन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके लाइनअप है, एंड देख लेना फ्रॉस्ट विंग जो है वो, फ्रॉस्ट विंग देखो इस बार आपका ये हीरो है, वो मतलब बॉस है, तो इसके भी थोड़े चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। सो यार, ये फ्रॉस्ट विंग जो है ना, इसको भाई अटैक करने का मौका मत देना, बार बार स्टन कर देना इसको। ठीक है, समझ गए, वही है विच डॉल की सारी एबिलिटी, उसी पे मारना, क्योंकि अगर वो अटैक करता है तो अपने आप को हील कर लेगा, तो उसको अटैक करने का मौका नहीं देना है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट में, स्टेज फोर में, तो परिमाडोना एंड नाइट रेवन एंड स्नो क्वीन, ये तो आ गया मैनुअल में। ठीक है, अब ऑटो की बात करें तो परिमाडोना के साथ रोज नाइट ले सकते हो, स्नो क्वीन तो है ही है। ठीक है, और अगर एक और लाइनअप चाहते हो तो रोज नाइट को उठा के चाइल्ड ऑफ लाइट ले लो। ठीक है, विदाउट रोज नाइट वाला हो गया ये। ठीक है, और एक और चाहते हो आप तो भाई चाइल्ड ऑफ लाइट तो है ही है आपके पास, इसके साथ रोज नाइट ले लो आप, तो एक और लाइनअप हो जाएगा। पी टू पी हो तो वही है परिमाडोना, रोज नाइट एंड मास्टर कुक। मास्टर कुक तो एफ टू पी के पास भी है, जो मेरे
भाई सब्सक्राइबर उनके पास तो होंगे जो बहुत पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखे होंगे, ठीक है। एंड ड्रीम विच वो भी होगा, रोज नाइट एंड ग्रोव गार्डन ये भी होंगे, तो ये दोनों होंगे ही होंगे मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर है, क्योंकि इसके भी सारे लिमिटेड चैलेंज मैंने क्लियर कर लिए थे। देखो ग्रोव गार्डन ये रहा, ठीक है, एंड ड्रीम बीच ये रहा, कहाँ है ये देख सकते हो, तो सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टेप कर लेते तो भाई देखो फाइव में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले मैनुअल बताया था, फाइव में मैनुअल जो ओथ कीपर के साथ स्नो क्वीन एंड नाइट रेवन है, ठीक है। और अगर बात करें हम ऑटो में, तो ऑटो में रोज नाइट स्नो क्वीन तो है ही है और इंसिएटर। फिर बात करें तो परिमाडोना रोज नाइट स्नो क्वीन, उसके बाद बात करें तो परिमाडोना चाइल्ड ऑफ लाइट एंड इंसिएटर। अगर पी टू पी हो तो पी टी डेविल रोज नाइट एंड बर्सरकर कुछ ऐसी नाम है, ठीक है। उसका नाम मुझे थोड़ा अजीब है, पता दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, छोड़ रहे हैं तो कोई नहीं आपको पता चल जाएगा। पी टी डेविल रोज नाइट एंड ड्रीम विच यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, एज अ पी टू पी। अगर हम स्टेज सिक्स, भाई देखो स्टेज सिक्स में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इसमें पायरस भी है स्टेज सिक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो यार स्टेज सिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक वीडियो पर्सनली बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ गए गाइस। हाँ जी, तो भाई देखो पहले मैं कुछ बता दूँ, मैनुअल भी, मैनुअल में क्या होगा आपका, परीमा डोना आएगा, स्कारलेट बोल्ट डेथ नाइट आएगा, ठीक है, या परीमा डोना स्कारलेट बोल्ट डेथ डेथ नाइट की जगह आप ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हो, समझ गए गाइस जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलो फिर मैनुअल में हो गया ये, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ऑटो में। ऑटो में परीमा डोना के साथ डेमन स्लेयर एंड ट्रैकर ले सकते हो, या फिर डेमन स्लेयर की जगह आप रोज नाइट भी ले सकते हो, ठीक है, या रोज नाइट डेमन स्लेयर ट्रैकर ले सकते हो, मतलब ट्रैकर तो है ही है। अगर आप पी टू पी में भी जाते हो तो भी भाई रोज नाइट मास्टर कुक ट्रैकर जो कि एफ टू पी के पास भी होंगे, तो ये सारा कुछ आपको कर लेना है, ठीक है। भाई फैंटम को आप छोड़ना नहीं है, फैंटम पे मेन फोकस रखना है मारने में, क्योंकि यही है जो है आपको खाने में यही काम करेगा, बड़ा है इसकी पावर है थोड़ी की, ठीक है, क्योंकि पायरस से इसको बहुत कुछ मिलता है, पायरस को पहले मारना पड़ेगा अब, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इम्यूनिटी मिल जाती है पायरस से इसको, समझ गए। इतना ही था बस, ये सिक्स में आपको यार हमेशा याद रखना कि आपको बस क्या करना है, फैंटम के ऊपर फोकस करना, उसी को मारना दबा दबा के, क्योंकि जब तक वो मरेगा नहीं तो रेनफोर्स आते ही रहेंगे, मतलब और हीरोज़ वगैरह, मतलब जो भी है विलन, ठीक है। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, ठीक है, इस वीडियो को भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर भी करना ना भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नया ब्लॉग आ रहा है चैनल मेरा, ब्लॉग वाले भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार कभी कभी, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, बाय बाय।